अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। इस वीडियो में हम अपनी टूडू ऐप में मार्क ऐसे कंप्लीट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, और जो हमारी टूडू ऐप है वो डेवलप हुई है यूजिंग रिएक्ट हुक्स एंड लोकल स्टोरेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ डेमो ऑफ दिस फंक्शनैलिटी। हमारे पास ये जो टूडूज हैं, तो हमारे पास हर टूडूज का एक स्पेसिफिक चेक बॉक्स है, और अगर हम इन चेक बॉक्स में चेक मार्क करते हैं तो हमारे पास जो टू डू है उस पर एक लाइन थ्रू आ जाती है। अगर मैं इन चेक बॉक्स को अनचेक करता हूं तो हमारे पास ये जो लाइन है ये वापस डिसअपियर हो जाती है। इवन ऑन पेज रिफ्रेश, हमारे पास अगर हमने अपनी टू डू को मार्क एज कंप्लीट कर दिया होगा तो हमारे पास जो चेक बॉक्स है वो चेक रहेगा और हमारे पास लाइन थ्रू भी आएगी। तो बेसिकली हमारे पास ये जो टू डूज हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपको अपनी लोकल स्टोरेज दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास हर टू डू बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, और हर ऑब्जेक्ट में मेरे पास तीन कीज है, एक आईडी, एक टू डू वैल्यू और एक कंप्लीटेड की की है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉल्स है। जब हम अपनी टू डू ऐड करेंगे तो कंप्लीटेड की हमारे पास फॉल्स होगी, लेकिन जब हम अपनी टू डू में चेक मार्क करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीटेड की ट्रू हो जाएगी। मैं इसको वापस अनचेक करता हूं तो हमारे पास ये कंप्लीटेड की फॉल्स हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमारा जो फोकस होगा वो इस कंप्लीटेड की जो वैल्यू है उसको टॉगल करने पर होगा। अगर हमारे पास कंप्लीटेड की फॉल्स है देन इट मीन्स के अभी हमने अपनी टू डू पर चेक मार्क नहीं लगाया है, लेकिन जब हम अपनी टू डू पर चेक मार्क लगा लेंगे, जैसे कि ये मैं चेक मार्क लगाता हूं, तो हमारी ये जो कंप्लीटेड की है ये ट्रू हो जाएगी। नाउ लेट्स परफॉर्म दिस फंक्शनैलिटी एंड मूव टू अवर VS कोड। सो दिस इज माई चेक बॉक्स एंड वैल्यू डिव। ये हमारा चेक बॉक्स है और ये हमारी टू डू वैल्यू है। अब सबसे पहले हमें अपने चेक बॉक्स में एक ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर कराना है, और जब ये ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर होगा तो हमें एक फंक्शन ट्रिगर कराना है। इस फंक्शन को मैं कह देता हूँ हैंडल चेक बॉक्स। इस फंक्शन में हम पास कराएंगे इंडिविजुअल टू डू डॉट आईडी। जब हमारा ये ऑन चेंज का इवेंट ट्रिगर होगा सो इट डजंट मैटर कि हमारे पास ये चेकबॉक्स चेक्ड है या फिर नहीं। अगर हमारा ये चेकबॉक्स चेक नहीं होता और हम इसको चेक मार्क करते हैं, या फिर अगर हमारे पास ये चेकबॉक्स चेक्ड होता है और हम इसको अनचेक करते हैं, देन इन बोथ केसेस हमारा ये हैंडल चेकबॉक्स ट्रिगर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑन चेंज का इवेंट यूज कर रहे हैं। अब ये जो फंक्शन है हैंडल चेकबॉक्स, ये मैं लिख लेता हूं। जो आईडी मैंने पास कराई थी इंडिविजुअल टू टू डॉट आईडी, ये मैंने यहां पे रिसीव कर ली, और अब मैं एक एम्प्टी एरे बनाऊंगा। इसको मैं कह देता हूं लेट टू डू एरे, और ये एक एम्प्टी एरे होगा। अब हमें जो हमारी मेन स्टेट थी टू डूज की स्टेट, ये हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो इस टू डूज की स्टेट पर मैं फॉर ईच का लूप यूज करूंगा। टू डू ले लेते हैं एज कॉल बैक। अब यहां पर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि हम चेक करेंगे कि टू डू की आईडी मैच होनी चाहिए हमारे पास इस आईडी से जो कि हमने पास कराई है। बेसिकली कि दोनों आईडीज में हमारे पास सेम आईडी होगी। अगर ये कंडीशन हमारी मैच कर जाती है तो हमारे पास यहाँ पे दो और कंडीशंस होंगी, और पहली कंडीशन ये है कि हम चेक करेंगे कि टू डू डॉट कम्प्लीटेड अगर हमारे पास फॉल्स है। अगर ऐसा होता है तो हम टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू ट्रू कर देंगे। इसके बाद हम else if का स्टेटमेंट यूज करेंगे, और यहाँ पर हमने टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू चेंज कर दी है
true. तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन होगी to do dot completed. अगर हमारे पास true हो तो हम to do dot completed की वैल्यू false कर देंगे. बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ टॉगल फंक्शन. अगर हमारे पास टू डू की वैल्यू फॉल्स है तो हम टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू ट्रू कर रहे हैं, और अगर हमारे पास टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू ट्रू है तो हम टू डू डॉट कम्प्लीटेड की वैल्यू फॉल्स कर रहे हैं. नाउ वॉट वी नीड टू डू इज पुश दिस टू डू इन दिस टू डू एरे. अब इस टू डू एरे में हमारे पास अपडेटेड टू डूज हैं, तो हम सेट टू डूज कराएंगे और इसमें हम पास करा देंगे टू डू एरे. नाउ लेट्स सेव इट एंड चेक अवर ब्राउजर्स. यहां पर मेरे पास जो टू वाटर प्लांट्स वाली टू डू है इसकी कंप्लीटेड की फॉल्स है, लेकिन अगर मैं इस चेकबॉक्स पर चेक मार्क करूं तो अब ये जो कंप्लीटेड की है ये ट्रू हो गई. मैं इसको अनचेक करता हूं तो ये कंप्लीटेड की वापस फॉल्स हो गई. मैं इसको चेक करता हूं तो ये कंप्लीटेड की ट्रू हो गई. लेकिन अभी हमें यहां पे कोई लाइन थ्रू नजर नहीं आ रही है, और अगर मैं ये पेज रिफ्रेश करूं तो ये जो चेकबॉक्स पर चेक मार्क था ये भी हमें शो नहीं हो रहा है. उसको शो होना चाहिए तो ये दोनों फंक्शनैलिटी अचीव करते हैं. तो ये जो हमारे पास है चेकबॉक्स है, यहाँ पर मैं चेक का प्रॉप पास कराऊंगा और इधर मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंडिविजुअल टू डू डॉट कंप्लीटेड. अब यहाँ पर या तो हमारे पास ट्रू होगा या फिर यहाँ पर हमारे पास फॉल्स होगा. तो चेक में या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. अगर यहाँ पर हमारे पास ट्रू होता है देन इवन आफ्टर पेज रिफ्रेश यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, चेक इक्वल टू ट्रू. देन इवन आफ्टर पेज रिफ्रेश हमें जो चेक मार्क है वो शो होगा. अब यहाँ पर अगर हमारे पास टू डू कंप्लीटेड हो गई हो तो हमें यहाँ पे लाइन थ्रू शो करानी है. ये हम यूजिंग सी एस एस अचीव कर सकते हैं. तो स्टाइल के प्रॉप में मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा और वो ये कि इंडिविजुअल टू डू डॉट कंप्लीटेड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अगर ये ट्रू हो तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो लाइन थ्रू, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन. इसके अलावा हमें एक चीज और करनी थी और वो ये कि इन द प्रीवियस वीडियो मैंने यहाँ पे आइटम डॉट कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स को कमेंट किया हुआ है, मैं इसको अनकमेंट कर दूंगा. वो इसलिए कि अगर यूजर एक कंप्लीटेड टू डू को एडिट करता है और देन उसको सबमिट कराता है तो अगर हम यहाँ पे आइटम डॉट कंप्लीटेड को यहाँ पे हम आइटम डॉट कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स नहीं करेंगे देन इट मींस के वो जो टू डू है वो स्टिल ट्रू है. तो अगर यूजर एक टू डू को एडिट करता है और उसको चेंज करता है बेसिकली और तो वो ट्रू नहीं रहनी चाहिए. तो इसीलिए हमने ये लाइन ऐड की है आइटम डॉट कंप्लीटेड इक्वल टू फॉल्स. अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड नाउ लेट्स चेक अवर यूआई. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास इस टू डू पर लाइन थ्रू आ रही है और यहाँ पे हमें चेक मार्क भी शो हो रहा है. मैं इसको अनचेक करता हूँ तो ये मेरे पास जो लाइन है ये डिसअपियर हो जाएगी. एंड देन इवन आफ्टर पेज रिफ्रेश हमें लाइन थ्रू भी शो होगी और हमारा जो चेक मार्क है वो भी शो होगा. तो गाइस इस लेसन का जो कोड है वो आपको अलोंग विद फाइनल कोड जितने भी लेसन्स का कोड है वो आपको मेरी इस मेन ब्रांच में मिल जाएगा. तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या फिर
इसको देखने के बाद आपकी कोई हेल्प हुई हो देन आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।